Here's a hearty welcome, big and warm enough to encompass you all. To say that we are thrilled to see you all is an absolute understatement. It's gratifying to look around and see so many familiar faces. Many of you have made a huge effort to join us today. On behalf of Jito Ladies Wing, I am Khushbu Bakliwal, and I can most certainly say that we are deeply appreciative and offer you our most grateful welcome. Let's begin our event with God's blessing and chant the Namukar mantra. I would request you all to kindly join your hands and close your eyes and all pray for great health for everyone around us. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajhayanam, Namo Loe Savvesahunam. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajhayanam, Namo Loe Savvesahunam. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajhayanam, Namo Loe Savvesahunam. Hello everyone, once again. So before we begin our session, I would just like to say a big, big, big thank you to our main mega sponsor, which is RK Marbles, and without whom the event wouldn't have been possible, and our team of sponsors who have really supported us throughout, because of which we have been able to sail very, very, very smoothly. So over to you, Runa. Thank you, Khushbu. Thank you so much. Thanks a lot, everyone. I am so happy to see so many of you participating in the program so actively. We are doing wonderfully well together in this pandemic time. If you all were not there, this would have not been possible. Thank you so much for always joining in numbers. बहुत अच्छा लगता है जब हमारे वेटिंग रूम के अंदर एक साथ 50 जने 60 जने वेट कर रहे होते हैं और हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 30 सेकेंड्स रुको, 10 सेकेंड्स रुको. That really gives boost to the whole team. जो पूरा मतलब हफ्ता 15 दिन अपना पूरा समय लगाती है और ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल टू आस्था, गरिमा, पूर्वी, एवरीबडी इन द टीम हु इज बिहाइंड दिस प्रोग्राम. दे हैव पुट इन देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट सो दैट आप दिवाली पर अब की बार कुछ डिफरेंट कर पाए और इस दिवाली को हर दिवाली याद करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हमारे बीच में सुनीता जी बोहरा भी शायद उन्होंने लॉग इन किया है. शी इज अ न्यू चेयर पर्सन फॉर एपेक्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर. और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. रोहिणी आपका ज्यादा, मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और चाहूंगी कि रोहिणी आगे वेबिनार को आगे ले. थैंक यू सो मच एवरीवन. खुशबू, खुशबू, हाय. सो आई स्पीक. गुड इवनिंग लेडीज. इस 14 दिन के डिक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बूट कैंप में आपका स्वागत है. आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं अपने घर को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की. इन 14 दिन में हमें अपने घर के कई इंपॉर्टेंट एरियाज को ऑर्गेनाइज करने को मिलेगा. कल से रोहिणी हमारे बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में हमें अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगी. पूरे दिन में हमें उन्हें कभी भी कर सकते हैं. साथ ही हर सुबह टास्क ऑफ द डे भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा. हम देखना चाहते हैं कि क्या जो रोहिणी सिखा रही हैं उन बातों को आप फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं. लेट मी इंट्रोड्यूस रोहिणी टू यू. रोहिणी इज द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइज विद ईज, India's leading professional organizing firm. With an experience of working of more than 100 spaces, she has seen it all.
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का एंड लेट मी गेट रोहिणी टू यू. रोहिणी ओवर टू यू. थैंक्स आस्था, खुशबू एंड रूना. मुझे बोला गया था कि हिंदी में बात करना. अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ा मुंबईया वाला हिंदी होगा, माफ कर लेना प्लीज उसके लिए. वन सेकेंड, आई एम गेटिंग अ गैलरी व्यू. या या ऑडिबल. या गुड. तो सबकी क्या उम्मीद है इस प्रोग्राम से कि क्या होने वाला है अगले 15-14 दिन हमारे घरों में? कोई कुछ बताना चाहता है? कुछ नहीं, जाएं अब वापस वेबिनार से. क्या उम्मीद है सबकी कि मैं क्या बताने वाली हूँ और इस बार दिवाली में क्या अलग होने वाला है? क्लीनिंग किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में, वो तो हर साल करते हैं हम लोग. इजी एंड फास्ट डिक्लेयरिंग मैकडॉनल्ड स्टाइल. हाँ, और टू बी ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट एल्स? और क्या कर सकते हैं इस साल? क्लीनिंग और फन साथ में जा सकता है? या लगता है कि कभी नहीं हो सकता कि क्लीनिंग फन हो? करिमा सिंह, यस यस. सो द आइडिया इज कि टिप्स एंड ट्रिक्स. यस मेघा, सॉरी. तो आइडिया है कि हर साल हम दिवाली की सफाई करते हैं और ट्रेडिशनली जैसे हमारे घरों में ये होता है कि दिवाली की सफाई मतलब सबको डांट पड़ने वाली है, सबको काम पे लगाया जाता है, स्टाफ नाराज होते हैं, हम भी थक जाते हैं बाय द एंड ऑफ द टाइम. दिवाली जब तक आता है मूड भी नहीं होता सेलिब्रेट करने का. और मेरे ख्याल से जैसे आस्था ने बताया कि मैं कंपनी चलाती हूँ ऑर्गेनाइज विद ईज एंड वी वर्क विद ओवर 100+ होम्स. Everybody feels very overwhelmed when you trying to clean and declutter. कभी हम शुरू करते हैं फुल जोश में कि आज मैं सफाई करने वाली हूँ, आज मैं अपने वार्डरोब को ठीक करने वाली हूँ, और आधे घंटे के बाद थक जाते हैं. कितने लोगों के साथ ये होता है? आप में से किसी के साथ होता है कि आप just raise your hands, I can see everyone on gallery view. कि शुरू तो बहुत जोश से होता है मगर आधे घंटे के बाद सिर पे हाथ रखे सोचते हैं कि ये क्या, क्यों, आज क्यों मैंने किया. इट बेटर कि बंद करो सब, वापस कवर्ड में जाता है, टीवी या चाय लेके बैठ जाते हैं. किसके साथ होता है ये? जो रेज योर हैंड्स. हाँ ठीक है, काफी लोग हैं. तो अगर डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता, डिक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग बहुत आसान तरीके से, जैसे ये है ना कि दाल बनाना होता है, दाल का अलग अलग टाइप के दाल हो सकते हैं मगर दाल का सिस्टम वही है. आपको कुकर निकालना है, गैस में चढ़ाना है, चौंक लगाना है. क्या चौंक लगाते हो, उसमें प्याज या टमाटर डालते हो, वो ऑप्शनल है मगर दाल बनाने का तरीका इज अ फिक्स्ड प्रोसेस. एवरीवन अग्रीज विथ मी कि कोई और नया तरीका नहीं है कि बिना गैस चलाए दाल बन सकता है. सबके घर में ऐसे ही बनता है ना, दाल गैस चलती है और चौंक लगता है, करेक्ट? सो इवन ऑर्गेनाइजिंग इज एज सिंपल एज इट. उसका बेसिक सिस्टम है, समबडी इज रिटन सेइंग वी कवर की हाउ टू डील विद चिल्ड्रन एंड देयर मेस, बट बेसिक सिस्टम ये है कि हम कैसे एक सिस्टम लाएं घर पे जिसमें वापस गंद ना मचे. अगर वापस गंद भी मचा कि 10-15 मिनट में हम पूरा घर समेट सकते हैं. इट्स नॉट दैट व्हेन देयर ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन द हाउस, व्हेन देयर आर पीपल लिविंग इन द हाउस, देयर विल बी अ मेस. इवन इफ आई टीच यू द बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, यू कम टू माय हाउस फॉलोज एवरी पॉसिबल रूल्स इन ऑर्गेनाइजिंग, मगर घर पे 6 बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों के रूम में खेलते हैं, आधे घंटे के बाद इट लुक्स लाइक अ वॉर जोन. मगर द ओनली डिफरेंस इन एन ऑर्गेनाइज होम इज कि आपको समेटने में बहुत कम टाइम लगता है. बच्चे खुद अपने आप क्लीन अप कर सकते हैं 10-15 मिनट में. पिछले 10 दिन में बहुत बिजी थी और मैं बहुत सारा सामान अंदर बाहर आ रहा था तो मैंने सब जैसे मिलता था मैं वार्डरोब के अंदर डालती थी. आज सुबह मुझे खोली, मैंने कहा आज मुझे वार्डरोब समेटना है एंड 10 मिनट्स आई वॉज डन क्लीनिंग माई वार्डरोब. इट वॉज बैक टू वॉट इट लुक्ड. सो द आइडिया इज नॉट दैट गंद कभी नहीं मचेगा. The idea is how do we have a system in place that we are not spending our life cleaning our homes. Kyunki zindagi is lot more than cleaning and organizing our homes. Everyone agrees? We are not born, we are not living to clean and organize and tackle our children's mess. Agree? So the idea is ki today, like
आस्था मेंशन्ड द प्रोग्राम इज फॉर 14 डेज. हर रोज आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया जाता है कि क्योंकि हमने बहुत सारे घरों में काम किया हुआ है, हमने देखा कि क्या चलता है इंडियन एनवायरनमेंट में, क्या चलता है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, क्या चलता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, वो हम शेयर करेंगे एक स्पेसिफिक एरिया के लिए. मगर आज का नेक्स्ट हाफ एन आवर बेसिक आइडिया है कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या कॉन्सेप्ट है. अगर मुझे कोई भी जगह, और ये है कि 15 दिन में हम घर, 14 डेज में हम घर के मेन जगह करेंगे. हम वार्डरोब्स करेंगे, किचन करेंगे, बच्चों का रूम करेंगे, कॉमन एरियाज थोड़ा करेंगे. मगर इट इज अ लाइफ स्किल. जैसे एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो कहीं पर भी साइकिल चला सकते हो. एक बार आप वो बेसिक फंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डीक्लटरिंग सीखोगे तो आप कहीं पर भी, कोई भी एरिया आपके घर पे, आपका गिफ्ट्स हो, आपके किचन्स हो, आपके दूसरे गेस्ट रूम हो, आपके बच्चों का रूम हो, वहां अप्लाई कर सकते हो. सो आई विल जस्ट टेक यू ऑल थ्रू अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एंड जब भी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं चैट बॉक्स नहीं देख सकती, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए. द आइडिया इज द होल रीजन दैट वी फॉर्म्ड अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड केप्ट इट बोथ वेज की डायलॉग हो. कभी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करें कोई जगह के साथ, वो कोई और भी फेस कर सकता है. एंड द आइडिया इज टू सॉर्ट इट आउट, क्लैरिफाई इट एंड मूव आगे. एंड इफ यू डोंट इन दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, जितना भी आप कोशिश करो अगले 15-20 दिन आपको वो सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए. आई जस्ट शेयर स्क्रीन. हम सब देख पा रहे हैं अभी? एवरीवन कैन सी? एवरीवन कैन सी the screen, the presentation? Okay. Yes, the presentation is visible. Okay, thank you. So this is the Diwali bootcamp, and the whole idea is when Asta and Kushbu and all of us were speaking, ki is baar really change the way hum ghar pe safai karte hain, and is baar staff bhi kam hai, lockdown bhi chal raha hai. Ye nahi ki pehle jaise pure cleaners ko bulao ya aur extra aadmi logon ko bulao ghar pe safai karne ke liye, but just set the tone ki हमारा घर एक बार वो डीप क्लीनिंग करते हैं ना, अंदर का सारा सामान वैसे डीप क्लीन हो कि आगे जाके हमें चीजें समेटने में मुश्किल ना हो. सो वन सेकेंड. तो बिफोर वी गो इनटू ऑर्गेनाइजिंग डी क्लटरिंग, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज एनर्जी. कभी आप सोचो, आप एक बहुत गर्म, लाइक समर्स है, 40-50 डिग्रीज है, आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी की एसी नहीं चल रही, और गाड़ी में 5-6 लोग हैं और आप 5-6 लोग साथ में बैठे हुए हो और ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफर है, दोपहर का टाइम है, हाउ वुड यू फील इनसाइड दैट कार? ओके, इज इट सफोकेटेड? सफोकेटेड. इज इट अ हैप्पी एनर्जी और इज इट अ यक एनर्जी? अ नेगेटिव एनर्जी. एनीवन एल्स? क्या लगता है, व्हाट डू यू फील लाइक इन अ प्लेस? कभी होता है ना, आप एक क्राउडेड मार्केट जाते हो या क्राउडेड मॉल के अंदर घुसते हो सैटरडे नाइट, और इतना भीड़ होता है कि आप अंदर चल भी नहीं पाते हो, ऑलमोस्ट टक्कर होती है एक दूसरे से. हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? एनीवन प्लीज अनम्यूट एंड टॉक सो दैट इट्स इंटरएक्टिव. आई कांट रीड द चैट गाइस, सो यू विल हैव टू टॉक. क्लॉस्ट्रोफोबिक, वी कांट अनम्यूट. ओके सॉरी, देन आई एम कीपिंग द चैट इन माई साइड सो दैट आई कैन रीड. क्लॉस्ट्रोफोबिक, डिफिकल्ट टू ब्रीथ, करेक्ट. बट इमेजिन वो ही दोपहर का टाइम है, इट्स पीक समर, किसी ने आपको एक लंबा लिमोजीन भेजा हुआ है, शॉफर ड्रिवन कार, फुल एसी ऑन है, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, और आप अकेले पूरा सज सज के किसी के शादी पे जा रहे हो, कहीं पर इम्पोर्टेंट जा रहे हो, आप अकेले उस गाड़ी में बैठकर 1 घंटे के लिए शांति से अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ जा रहे हो, वो कैसे लगता है आपको? हाउ डू यू फील? लाइक इमेजिन योरसेल्फ बीइंग देयर रिलैक्सिंग. ज्योति सेज, व्हाट एल्स? हु एल्स फील्स व्हाट? बट आई वांट यू टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन बीइंग देयर. हाउ डू यू फील? हेवनली, प्लीजिंग. सो यू नो द डिफरेंस, राइट?
अब व्हेन यू मीट समवन दैट यू लव लाइक इमेजिन ऑडियो नहीं आ रहा है तो आई थिंक एवरीवन एल्स कैन हियर राइट समबडीज टाइप्ड ऑडियो नहीं आ रहा है सो आई थिंक यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन देन और चेक योर वॉल्यूम बटन प्लीज परफेक्ट सो इमेजिन यूर यूर इन अ सिटी यू हैव गॉन ऑन अ हॉलिडे अचानक यू मीट योर फेवरेट नेबर योर बेस्ट फ्रेंड देयर आउट ऑफ द ब्लू वी फील हैप्पी राइट वी सी दैट पर्सन एंड वी फील हैप्पी Do we all feel happy when we see our friends? I'm waiting for the chat box. Yes, yes, yes. Awesome. But at the same time, you go to a nice, fancy holiday and you see like the biggest enemy or that one relative who's such a pain in the ass, who keeps going on and on and on. How would you feel when you see them there in the same restaurant where you're eating and they come to say hello? You feel great? Annoying. What else? Who else will be happy to see their annoying relative? Disheartening. Yeah. So that's the difference between the energy. The person might have not said anything. The place might have not said anything. But what we feel, hame kya lagta, hame kya mehsoos hota hai, that is energy. And everything has energy. When we walk in the garden, there is a relaxing energy that automatically aata hai hamare mein. When we go in a crowded place, when we are in the house where there is 10,000 things around us, that energy is also very suffocating. So before you organize and declutter, what is really important aapko samajhne ke liye is to understand energy kya hai and what are the energies that I like as a person? What are the energies that work for me? Mere ghar mein kya achha lagta hai hum sab logon ko? So I'm just showing you again as per what we discuss. A room dekhne ke baad kya lagta hai? कोई इस रूम के अंदर जाना चाहता है नहीं ना एट द सेम टाइम एंड यू आपको पता भी नहीं है वो किसका रूम है मगर द इंस्टेंट दैट यू सी इट व्हाट डू यू फील यक यू फील लाइक नॉट सो नाइस नॉट सो प्लेजेंट बट लुक एट दिस रूम हाउ डू यू फील जस्ट स्टेयर एट इट यू डोंट इवन नो हु इट इज इट जस्ट काम्स यू डाउन ऑटोमेटिकली It didn't do anything. It didn't have to say anything. It didn't have to be anything, but it just calmed you down, right? So what are the things that work for you in your house? I want you to imagine all of a sudden is call ke baad aapke best friend aapko phone karne wali hai aur bolegi ki aaj raat ko mere ghar pe dinner hai aa jana. What is that one thing that you'll pick from your wardrobe without thinking? Abhi idhar baith kar, what is that outfit that comes to your mind which you think you will wear and go for this party or dinner or whatever? Like, close your eyes, take 2 minutes, imagine yourself dressed in that. It's a surprise dinner hai. Kuch acha pehen ke aana, party hai, and you have to pick something from your wardrobe and you have to wear and go. What would you pick? I want you to imagine in that outfit, including ki kaun se sandal pehnoge aap, kaun se bag leke jaoge, if there's a particular lipstick that you know that you want to wear, what is that you're going to wear? Or that pretty sari that you've been wearing, waiting to wear, pure lockdown mein chance nahi mila. How did you feel in that dress and in that outfit and kya laga aapko? I want all of, like at least some of you to type on the chat box. I have the chat box in front of me. How did you like being in that outfit? Kaise laga? Yes, amazing. The one that flaunts me, happy. The best one which I had not worn. Good from inside. It makes me feel my best, ready for the world. Wonderful and confident. In my own self with peace, relax, great. What if we felt this har roz, har waqt, har time? How would life be if we felt like this? Agar har din we felt great, agar kahin par bhi hamare ghar mein hum jaye hame laga wow, this is like a hotel yaar. Impossible, honey, the whole idea is to make it possible. So now you know the difference between what feels great and what does not feel great. The idea is in our home to have things that make us feel great. Jo cheeze hame maza aata hai, jo cheeze hame acha lagta hai, not because kisi ne diya, not because 10 saal se pada hua hai, not because nahi pata nahi main confused hu.
all our homes are real estate value. Either you're even if you're living in a rented home or you're living in your own home, it is real estate value. More than anything else, हर रोज हम लोग especially अभी lockdown पे घर पे होते हैं. घर cannot become a to-do list. हमें हर बार घर पे हर कोना देखते हैं तो हमें लगता है इधर ये साफ करना है, उधर वो काम बाकी है. The idea is to create a home which feels like this picture, which is calming. Do all of us want to create that during this next 14-15 days? People who don't want to can party in those 15-20 minutes every day. Yes, right? Absolutely. So the idea is, how do we, why should we do it and how do we do it? And the most important thing, और शायद सबसे मुश्किल काम है, टू डिक्लटर. डिक्लटर क्या होता है? हमें लगता है जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ निकालना, निकाल के फेंकना. बट डिक्लटर रियली, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई डिक्लटर. एक चीज तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है क्योंकि आप चीजों के लिए ढूंढ नहीं रहे हो. दूसरा, टाइम बच जाता है क्योंकि हर रोज हमारा प्रॉब्लम होता है कि आज क्या पहनने वाली हूँ, वो सामान कहाँ है, वो पता नहीं, वो नहीं मिल रहा है. टाइम, आधा टाइम तो इसी में जाता है. तीसरा, जो मैंने ऑलमोस्ट मेरे हर क्लाइंट के साथ देखा हुआ है, एक जैसे 10 सामान होता है क्योंकि जो पहला वाला सामान है मिलता नहीं है, सब कहीं टूस फूस के रखा है. मगर घर, जब घर साफ करने जाते हो आपको तब दिखता है कि ओ माय गॉड, आई हैड दिस, आई हैड दिस, आई इवन हैड दिस. तो इट सेव्स यू मनी बिकॉज देन यू आर शॉपिंग फॉर ओनली द राइट थिंग दैट यू एक्चुअली रिक्वायर. एंड लाइक वी स्पोक अभी तक, वन इट्स ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ काम हमारे घर में. एंड बहुत सारे स्टडीज है जहां डॉक्टर्स, PhDs, देयर इनफ मेडिकल रिपोर्ट्स टू प्रूव दैट जहां पर क्योर्स है, क्लटर है, द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो मोर. एंड स्पेशली फॉर अस वुमेन, जो वेदर वी रियलाइज इट और नॉट, आर ऑलवेज मल्टी टास्किंग और ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ आर किड्स, आर होम, आर वर्क एंड अदर थिंग्स, एंड स्टिल ट्राइंग टू हैव अ सोशल लाइफ. If this one aspect is organized and taken care of, it'll just make our lives a little bit more easy and calm. So those are the reasons why we should declutter. Then the question is, how do we declutter? How do we get started? And that's where this whole bootcamp comes. Har baar jaise maine baat kiya tha ki hum shuru karte hain ki aaj main pura kitchen saaf karne wali hu, aur kitchen mein ek cupboard kholte hain, wo khatam hote hote almost 3 ghanta ho jata hai aur hum thak jate hain aur bas किचन रह जाता है अगले एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, पूरा नहीं होता. द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज टू डू स्मॉल प्रोजेक्ट्स. एंड व्हाट आर दोस स्मॉल प्रोजेक्ट्स? जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मुझे सफाई करनी है घर पे, आई ओनली टेक अप द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट. व्हाट वुड दैट स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट बी? अगर मैं बोलूं कि मेरे बच्चों का रूम साफ करना है मुझे आज, मेरे बच्चों के रूम में दो चीजें हैं, टॉयज हैं, कपड़े हैं. सो कपड़ों में आई कैन डू देयर घर का कपड़ा जो रोज पहनते हैं, आई कैन डू देयर पार्टी क्लोथ्स, आई कैन डू देयर स्कूल क्लोथ्स और क्लोथ्स जो एक साइज बड़े हैं. बट आई ओनली डू दैट स्मॉल थिंग, आई डोंट डू द होल थिंग, आई डोंट डू द होल रूम, आई डोंट डू ऑल देयर क्लोथ्स. आई जस्ट पिक वन स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ देयर क्लोथ्स एंड डू दैट मच. Somebody, Meena is saying wardrobe would be the smallest task, but the idea is to not wardrobe. See, if you say wardrobe, wardrobe में भी क्या है, हम जो रोज पहनते हैं, जो हम बोलते हैं कैजुअल वेयर है, जो हम पार्टीज के लिए पहनते हैं, जो हमारी इंडियन हैवी इंडियन क्लोथ्स है, हमारी इनर वेयर हो गया, हमारे वर्कआउट क्लोथ्स हो गए, वार्डरोब में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज है. जब हम डिक्लटर और ऑर्गेनाइज करते हैं, जस्ट डू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल जॉब फर्स्ट, उसको पूरा खत्म करो. गिव अ ब्रेक इवन इफ इट्स ऑफ 1 hour, 2 hour, then move to the next project. That way, जो आप smallest job भी कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करते हो कि उसको वापस repeat करने की जरूरत नहीं है 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद. The idea is to do it so well कि उसको वापस 5-6 महीने तक मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़े. मगर if I say that today the whole wardrobe, then it gets exhausting because it is quite a lot. The next thing is, how do we do it? So now, for example, I say I want to do my makeup today. Today I'm going to do my makeup. I'm going to organize my makeup. To understand, ek cheez hota hai category. Category kya hota hai? Clothes ek category hai, shoes ek category hai, bags ek category hai. Jaise kitchen mein hamare dal aur pulses ek category hai, machines jo hum use karte hain kitchen mein, toaster ho, waffle maker ho, mixie ho, wo ek category hai. So I pick
एक कैटेगरी, अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मैं मेकअप करने वाली हूँ, आई गेट ऑल माई मेकअप फ्रॉम एवरीवेयर इन द हाउस. वेयर ऑल डू आई कीप माई मेकअप? माई मेकअप माइट बी इन माई बाथरूम, माई मेकअप कुड बी इन माई कोई कबर्ड में हो सकता है, मेकअप कुड बी इन माई पर्स. फर्स्ट आई कलेक्ट एवरीथिंग. अगर मैं कपड़े कर रही हूँ, जो लॉन्ड्री में कपड़े पड़े हुए हैं इस्त्री होने के लिए, सारे जगह जहाँ वो वाला कैटेगरी के कपड़े हैं, जैसे मेरे घर में साड़ीज और इंडियन हैवी वेयर दो जगह रखा जाता है. एक जगह जो मैं आसानी से ले सकती हूँ, जो कपड़े मैं ऑलमोस्ट स्मॉलर फंक्शंस के लिए पहनने के लिए आई फाइंड इट ईजी, और दूसरा जो ऊपर जो हैवियर कपड़े हैं जो शादियों में या बड़े फंक्शंस में पहने जाते हैं. बट इफ आई एम डूइंग माय इंडियन वेयर, आई विल गेट एवरीथिंग इन माय इंडियन वेयर टुगेदर बिफोर आई ऑर्गेनाइज दैट सेक्शन. एवरीवन्स क्लियर ऑन कैटेगरीज, व्हाट इज कैटेगरी, एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई विच कैटेगरी यू वॉन्ट टू डू. कौन सा कैटेगरी है जो हम ऑर्गेनाइज और डीक्लटर कर रहे हैं. सेकेंड है कि उस कैटेगरी के सारा सामान जहां पर भी है, इवन इफ इट्स इन योर कार, यू विल ब्रिंग इट आउट एंड कम एंड कीप इट. तो वंस वी हैव गॉट द कैटेगरी, इन द कैटेगरी देयर विल बी सब ग्रुप्स. व्हाट आर द सब ग्रुप्स? लाइक आई सेड, मेकअप. मेकअप में लिपस्टिक है, पाउडर है, हाइलाइटर है, फाउंडेशन है. लाइक आई हैव फोर थिंग्स इन मेकअप, बट लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन हैव लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी. देयर इज ब्रॉन्जर, देयर इज आई शैडो, देयर इज व्हाटएवर व्हाटएवर कैटेगरीज दैट आर देयर. You will separate each of the category. जैसे हमारा first task होने वाला है bathroom, जो हमारे declutter bootcamp का first day project है, आज का, जो आज शाम को कर सकते हो या कल कभी भी जब आपको time मिलेगा आप कर सकते हो. The first project is bathroom. So अगर if I take bathroom, that is one category that I've chosen कि मैं bathroom करने वाली हूँ. मेरे bathroom में क्या है sub categories? जो मेरे hair products हैं, जो मेरे shampoos, वैम्पूज जो भी हैं. दूसरा है जो मेरे फेस प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, जो मेरे मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, विटामिन सी है, या कोई भी पैक वैक मैं लगाती हूँ वो. थर्ड है जो मेरे एक्स्ट्रा स्टॉक्स हैं, जो मेरा अनओपन चीज़ें हैं मगर एक्स्ट्रा है जो मेरे पास है. चौथा है जो टॉवल्स या अदर थिंग्स दैट आई यूज टू कवर माई सेल्फ यूज इन द बाथरूम. तो आई डिवाइड एवरी प्रोडक्ट इन और एवरी आइटम इन टू दीज सब कैटेगरीज. एवरी वन क्लियर टिल नाउ? स्टेप थ्री इज कैटेगराइजिंग. यस, सम यसेस, देन वील मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑसम. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू डिवाइड द डिफरेंट कैटेगरीज. देन कम्स द बिग क्वेश्चन ऑफ व्हाट डू आई कीप एंड व्हाट डू आई लेट गो ऑफ. तो Who finds it difficult to let go of things? क्योंकि मैंने बहुत पैसे खर्च के लेके रखा है मगर मैंने यूज नहीं किया, मगर मैं करूंगी, एक दिन तो मैं करूंगी, पता नहीं वो एक दिन इस जन्म में आएगा अगले जन्म में आएगा, मगर मैं तो करूंगी. My husband, yeah, okay, we are talking about us. Let's not go to husbands or whatever. Who finds it difficult to let go? So lots of knees. Welcome to the letting go party. So the idea is, why do you have to? A lot of times जब हम घर सफाई करते हैं, हम देखे बोलते हैं हाँ ये कुर्ता मैंने बहुत दिन से नहीं पहना, निकालते हैं. But when you have categorized it, start taking out things that you love, start taking out things that you enjoy using. For example, और ये example मैं बहुत often use कर कि आप बहुत पैसे देखे एक बहुत फैंसी होटल में बुफे के लिए गए हो. बुफे में चाइनीज है, जापानीज है, इंडियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इटालियन है, अमेरिकन है, बर्गर शर्गर सब कुछ है. अगर सोचो आपने 5,000 रुपए दिया उस बुफे के लिए और वो वेटर आपको हर एक आइटम जो बुफे में है सबका एक 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 चम्मच डाल के आपके पास लेके आके सामने रखता है, क्योंकि आपको लगता है वाह मैंने 5,000 रुपए दिया है, मुझे तो पैसा वसूली करना है. क्या वो खाना आप खा पाओगे? वो प्लेट आप देख के आपको लगेगा वाह आई हैव कम टू अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट एंड आई पेड सो मच मनी. व्हाट वुड यू फील लुकिंग एट दैट प्लेट दैट हैज एवरीथिंग? वो बुफे में हर एक आइटम का एक चम्मच तो उसने डाल के दिया. नॉट एट ऑल. हाउ डू यू फील अगर समबडी कम्स एंड गिव्स दैट टू यू? Confused, already stuffed looking at it. Yeah, what else? Too much to handle. Aur kya lagta hai?
किसी कोई तो इस ग्रुप में कुछ नहीं होगा कि उसने सारा डाल के आया. इफ देयर इज एनीवन हु विल फील वेरी एक्साइटेड लुकिंग एट दैट प्लेट, प्लीज रेज योर हैंड. वी विल डू सेपरेट वन ऑन वन. बट इफ यू हैड द चॉइस वेर यू कुड टेक अ प्लेट, आप जाओ एक चक्कर लगाओ, जो टिपिकली हम लोग करते हैं जब बुफेस होते हैं, चक्कर लगाओ, देखो, उसके बाद आप जो आपका, आप जैसे मैं हूँ, मुझे पिज्जाज बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे चीज बहुत अच्छा लगता है. फर्स्ट यू गो डू वन हेल्पिंग ऑफ वट एवर योर फेवरेट डिशेज इज, देन यू गो बैक फॉर अ सेकेंड हेल्पिंग ऑफ समथिंग न्यू यू वॉन्ट टू ट्राई, देन यू गो बैक टू ईट लाइक दैट दाल माखनी विच इज वेरी फेमस देयर, देन यू गो टू द डेजर्ट काउंटर. हाउ डज दैट एक्सपीरियंस फील वेन यू वॉक अराउंड, यू पिक, यू ओनली टेक वॉट यू लव एंड एंजॉय. And you might experiment one or two dishes and then feel, हाँ इतना अच्छा नहीं था, अगले बार नहीं लूंगी. How would that experience feel? Satisfying, okay. Which experience would you prefer, the first one or the second one? कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जहां आप choose करो आपको क्या लेना है, या जहां आपको ठूसा जाता है कि जो भी है रख लो, द सेकेंड वन. ग्रेट. तो द सेम थिंग अप्लाइज टू द थिंग्स इन आवर होम, लाइक इट इज अ बुफे. आपने 5,000 तो दे दिया है एंट्री पे, घर के अंदर वो आ चुका है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर स्टक विद इट फॉर लाइफ. डीक्लटरिंग इज नॉट अबाउट मुझे क्या फेंकना है, डीक्लटरिंग इज अबाउट मेरे इसमें बेस्ट फ्रेंड्स कौन है जिनको मैं रखने वाली. सोचो अभी लॉकडाउन चल रहा है, एटलीस्ट बॉम्बे में तो पार्ट लॉकडाउन फिर भी है, हम घर पे बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते, मगर मेरे घर पे पार्टी हो रही है. मेरा बिल्डिंग का रूल है कि मैं सिर्फ 10 लोगों को बुला सकती हूँ. सो आउट ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, out of all your friends you can only invite 10 people. So I pick my 10 favorites and I call them. Does it mean that I don't love the other 30 people who are my friends? Does it mean that I hate those 30 people? Or does it mean that for a special occasion I'm choosing 10 people that I really care more about? Yeah, I'm waiting to read the. So decluttering is about, agar aap ek category lete ho, jaise aap abhi hum bathroom ki baat kare to hum wapas bathroom pe jate hain, 10 face packs hain, magar jaise wo buffet hai na, aap hamesha apne favorite wale face pack hi lagaoge. Aap apna non favorite pata nahi kaisa hai kabhi bhi uske aas paas bhi nahi jaoge. So every time you're decluttering, उस कैटेगरी में see which are my favorites. अगर मेरे घर पे इतना ही जगह है और मैं सिर्फ 5 लिपस्टिक रख सकती हूँ या 10 लिपस्टिक रख सकती हूँ या सिर्फ 2 परफ्यूम रख सकती हूँ, which are my favorites that I would choose? So the idea is that you decluttering when you're looking. Abhi pehle humne category choose kiya, usme we have got everything under that category, usme subdivide kiya, humne chote chote groups banaye. Ab hame choose karna hai ki inme se kya hum rakhne wale hain. In that time, please ye mera words yaad rakhiye sab log, you're choosing your best friends, you're choosing to keep the things that you love. It is like a buffet. Jitna bhi marzi aap koshish karo, you will always go back to that lipstick that you know that looks good on you, that body shower that you are comfortable with, that dress that you know ki kuch karne ki zarurat nahi hai, wo to mujh pe acche se fit hota hai, ye sandal comfortable hai. You will always go back to what you are comfortable, what you know makes you feel great. So if it's been in your house pichle 6 mahine, 1 saal, 2 saal, और अभी तक आपने यूज नहीं किया, क्या आपको लगता है वापस कभी यूज करने वाले हो? I'm waiting for some responses to come on the group, so keep typing guys.
So then why should it be in your house agar you're so confident saying that it, you're not going to use it? Do you still want to keep it in your house? And if today, and maybe occasionally will be a few, right, Neha? Not all of it. Because Neha says maybe occasionally. But why do we hoard? If we can just look at, keep going back, guys. Jab bhi aap is agle 14 days mein confused hote ho, go back to that example of a buffet. Paise to de diye maine entry point pe. Iska ye matlab nahi hai ki mujhe sab kuch jo wahan rakha hua hai, wo 2-3 ghante mein mujhe khana chahiye. Does that mean that in my life, anything that I've got into my house, just because I got in, I have to keep it and use it? The idea is, Meena, the so much around us needs to become lighter. And that is why we are doing this. इतने साल से हम लोग दिवाली की सफाई करते आ रहे हैं फिर भी हमें अगर लग रहा है कि देयर इज सो मच अराउंड अस एंड इंडियन होम्स में तो टिपिकली हम काफी सफाई करते हैं और ये भी है कि इंडिया में थैंकफुली हमारे पास अगर निकालते हैं तो देने के लिए भी आगे लोग हैं स्टाफ हैं रिलेटिव हैं देयर विल बी पीपल हु विल यूज इट बट डज इट नीड टू बी इन योर हाउस इज माई क्वेश्चन डज इट How many of you feel that just because I've paid money, just and a lot of times you have not even paid money, there are things people have given you, magar humne leke andar dal diya. Okay, when you're looking at things, don't look at the price tag you paid for it. Don't look at kisne diya. The only question that you need to ask yourself is, will I use it? Does it make me feel happy? Is it something that I enjoy using? Emotional attachment has to be for people and things that you love, not things that you don't love. It's okay to be emotionally attached. If it's expensive and it's sitting in your house and it is getting kharab, what use is that expensive stuff? Somebody saying, I feel that it's expensive and now what to do? But yeah. Okay, if you feel that you might need it, have you needed it in the last few years? Have you used it? So then what's the point, right? If you've not used it in the last few years. Okay, guys, here's the thumb rule. Hamesha yaad rakhna, while decluttering, you're choosing what to keep. You're choosing your best friends. Agar mere paas 10 perfumes hain, har roz kya aap mein se koi aisa hai, jo har din alag 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 perfume lagate ho, ya aap wohi wala jo lagate ho, jo aapko pasand hai. Hamare paas 20 footwear hote hain, magar phir bhi hum wo 4-5 pehante hain, jo hume pata hai ki कंफर्टेबल होता है अच्छा दिखता है और बॉटम लाइन हमें पसंद है सो वन यू हैव टू ओनली कीप योर फेवरेट्स अगर इसके बाद यू आर गोइंग टू डीक्लटर योर ओल्ड वे आई वुड टेल यू टुडे प्लीज साइन ऑफ दिस प्रोग्राम क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी डिफरेंस इफ यू डोंट अग्री टू व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ फर्स्ट डीक्लटर बाय कीपिंग ओनली थिंग्स दैट यू लव सेकेंड रूल अगर आपको लगता है कि नहीं पता नहीं मैं कंफ्यूज हूं इफ इट स्टिल हैज अ प्राइस टैग एंड यू हैव नॉट यूज्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज क्लियर साइन कि आप कभी और यूज नहीं करने वाले हो आस्क योरसेल्फ दिस इज वन क्वेश्चन विच आई फील विल गिव यू द आंसर कि आपको रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं वापस इसको दुकान में देखूं क्या मैं इसको फुल प्राइस में वापस खरीदूंगी If I feel नहीं नहीं इसको मैं अगर वापस देखूंगी पक्का ये तो मैं खरीदने वाली हूं then which means you love it and you will use it क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आई मैंने इतने दिन से नहीं देखा इसलिए मैंने नहीं यूज किया एंड बी बींग वुमेन अगर कुछ भी आता है जो हमें पसंद है अगला मौका ढूंढते हैं हम पहनने के लिए यूज करने के लिए वी डोंट कीप इट इन अ कबर्ड एंड फॉरगेट अबाउट इट एंड से ओ मैं भूल गई And things that don't fit you, especially when we are doing clothes, we will come across that. Or things that are expensive, किसी ने दिया मगर आपका taste नहीं है. You're not offending anyone, but it doesn't need to take up space in your house. Why? Somebody else will use it better, right? जैसे बहुत सारे ladies wardrobe जब हम करते हैं, we see a whole bunch of clothes जो हम पतला होके पहनना चाहते हैं. But every time that's in your wardrobe, what is it telling you?
You fat, so you've still not lost weight. Oh, you're still not fitting into your clothes. Oh my God, you've still not lost weight. That is the negative energy that every day you experience when you see things that you're not using. So it is a choice you make aaj ki aapko aapke gharon mein positive energy chahiye ya negative energy chahiye. Positive energy is when there is khulapan, when there is openness, when there is not stuff. Somebody saying that during these COVID times, not being able to wear expensive, that's okay. Idea is, will you wear it today? If there's a party, are you going to wear it? And tomorrow when fashion changes, weight changes, we all have the money. Like if I lose 10 kgs, I want to buy new clothes. I don't want to wear my old clothes. Yeah. How many of you want to wear your old clothes when you have lost weight and everyone say, wow, itne achhe lag rahe ho, magar kapde purane lag rahe hain thoda. You want to wear new clothes when you lose weight. At least I don't know about all of you. How many of you want to wear old clothes? So, like I said, declutter, first choose things that you love. Aapko jo cheezein bahut pasand hai. Second, look at it ki pichle ek saal mein maine isko kyun nahi use kiya? Is it because I didn't like it? Is it because wo mere taste ka nahi hai? And like I said, please ask this question. Agar mujhe wapas, forget kisne diya abhi. अगर वापस मुझे इसको इतना फुल प्राइस पे लूंगी या नहीं लूंगी दैट विल हेल्प यू सो यू विल हैव टू थिंग्स एट द एंड ऑफ इट थिंग्स दैट यू वांट टू कीप थिंग्स दैट यू वांट टू गिव अवे इन थिंग्स दैट यू वांट टू गिव अवे एक होता है जो बकवास है डस्टबिन में डालने लायक दूसरा है थिंग्स दैट यू कैन गिव टू फैमिली थिंग्स दैट यू कैन गिव फॉर डोनेशन एवरीवन इज क्लियर अबाउट डीक्लटरिंग एनीवन इज कंफ्यूज्ड एनीवन फील्स दे विल नॉट बी एबल टू डीक्लटर लेट्स सॉर्ट इट टुडे क्योंकि नहीं तो द नेक्स्ट 15 डेज इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी बैड वर्कआउट Okay, I got only one S. I was expecting more. Good, good, good. Awesome. Okay, superb. So you've done first thing, you've identified categories. You've got everything from everywhere. Third, thank you so much, Jyoti. She's saying she will now start discarding slowly. Third, you've made subcategories. Fourth, you've decluttered. Fifth is how to lay out. Ki look at the space that you have. आपके पास अलग 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 categories हैं. जैसे मैंने दो तीन pictures रखा हुआ है इधर. Look at the space that you have and then think ki ठीक है मेरे पास shirts हैं मेरे पास shorts हैं मेरे पास क्या क्या है and how can I use the space the most? And this is where when we are working with you, please use the WhatsApp group. कहीं पर आपको लगता है कि आपको स्टोर कैसे करना है स्पेस ऑप्टिमाइज करना नहीं आता शेयर अ पिक्चर विद अस वी विल हेल्प यू विद इट बट जैसे नॉर्मली क्या होता है जो आई लेवल पे है कोई भी जगह हो किचन हो बाथरूम हो घर का कोई भी हिस्सा हो जो भी आई लेवल पे है हैज टू बी अ स्पेस फॉर थिंग्स दैट यू यूज मोर फ्रीक्वेंटली जो चीजें आपको रोज के दौरान एवरी डे आपको जरूरत पड़ता है क्योंकि आप खट 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 निकाल के यूज कर सकते हो सो जस्ट ले आउट योर स्पेस एंड देन पुट थिंग्स बैक एंड जहां जरूरत हो यूज ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स आई थिंक आज हमने डाला था एक मैसेज पता नहीं अभी डाला है डालने वाले कि पुराने जूते के बॉक्स गिफ्ट बॉक्सेस यूज ऑल दोज बिफोर यू स्टार्ट बाइंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स क्योंकि हम कहीं देखते हैं और हमें लगता है वाह ये बहुत अच्छा है इसको ले लेते हैं और हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं विदाउट एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज इट सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कीप थिंग्स इन अ वे दैट इट इज ऑल विजिबल टू यू एस्पेशली थिंग्स दैट यू आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस सो दैट यू ऑप्टिमाइज द स्पेस दैट यू हैव इसमें इफ यू सी दैट डिफरेंट कैटेगरीज दिस कैटेगरीज फॉर काजल दिस कैटेगरी इन दिस हाउस वी हैड अ ओपन ड्रॉअर जहां यूज कर सकते हैं नहीं है तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस यू हैव वी विल गिव यू सॉल्यूशंस फॉर व्हाट्स द बेस्ट वे दैट यू कैन ऑर्गेनाइज अगेन एवरीथिंग जो आप हर रोज यूज करते हो हैज टू बी विजिबल फॉर यू लाइक योर जैसे टी शर्ट्स हैं वी विल व्हेन वी आर डूइंग क्लोथ्स टीच यू अबाउट वर्टिकल फोल्डिंग एंड हाउ यू कैन कीप इट इन अ वे दैट जो भी है आपको नजर आ रहा है same thing here with the denims either again how we have categorized it dals are in one basket masalas are in one basket these are basically different ways that you can use organizing products and when we're doing specific cupboards specific categories we will give you lots of examples jiske through aap dekh sakte ho ki aapke ghar mein aap kya implement kar sakte hain these are just
pictures to show you where we want to get at the end of 14 days. So now for the Diwali bootcamp and how it's going to work. Every day, ideally 15-20 minutes se zyada aapko nahi karna chahiye. Humne bahut chote task. Somebody's asking where will we get good organizers. We will give you all Amazon links kyunki hume lagta jahan par se bhi log hoon. They can use Amazon products because it'll be easy to get and also there's a speed in delivery. But abhi ke liye start collecting old dabbas and old stuff so that we can just reuse it and ek baar set ho jata hai, then you can buy things to your choice. Subah, we will post the task for the day. On the beginning of the day, by 8 o'clock, us din ka task post ho jayega. You can do it whenever you want. आप रात को 10 बजे जैसे मैं सफाई normally रात को करती हूँ मेरे छोटे बच्चे हैं जब वो सो जाते हैं उसके बाद normally is the time that I do my सफाई. You can do it whenever. I work, but I'm also on that WhatsApp group from 9 to 1 for the next 14 days. I've kept myself free. कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा आपको डाउट है आपको कुछ कंफ्यूजन है यू कैन पोस्ट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन पर्सनली मैसेज मी आई विल सेंड अ हाई मैसेज ऑन द ग्रुप सो यू विल हैव माय मैसेज बट ओनली टू टास्क रिलेटेड टू दैट डे सो दैट वी आर ऑल अलाइन टू ओनली उस दिन का क्या करना है क्योंकि आप मुझे रैंडमली पूछोगे तो देर बी नो कॉन्टेक्स्ट टू इट उस दिन का जो टास्क है एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम यू वॉन्ट टू आस्क आई एम नॉट श्योर ये रखना है मुझे नहीं पता है कैसे डल सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है मेरा जगह जिसमें रखती हूँ वो बहुत छोटा है यू हैव कंप्लीट एक्सेस फ्रॉम 9 AM to 1 PM प्लीज यूज दिस डोंट नॉट यूज इट क्योंकि अगर आपको लगता है आप कुछ आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल पे सेटिस्फाई होके काम नहीं हुआ प्लीज व्हाट्सएप एंड आस्क फॉर हेल्प एंड Next week beginning say I think Asta will give out the details. We'll do one-on-one calls. Jahan, whatever is the specific questions that you have or some areas wherever you need help, that 10-15 minutes we'll spend discussing just what you require in that space. Everyone's clear on the Diwali bootcamp? And there are lots of fun prizes. The ladies have worked very, very hard. Almost every other day there's like something to win. Somebody saying throw in all the boxes don't worry guys we'll give you lots of options don't stress the idea is I will be able to ask the next day yes but in the sense I wanted to be kept to the task that jo hum kar rahe hain pichle din ka agar aapne sham ko kiya hai aur agle din subah puchna chahte ho leave the messages kahi din I could be free and I could just respond So as and when you have doubts, just drop a message, but immediate response you will get from 9 AM to 1 PM of any particular day. In the next 10-15 minutes, you'll have a response. Any other time, it depends on how free I am that day or I'm not free that day. But lots of fun prizes, so do a damn good job. Very exciting things to win. So we are very excited. Okay, this I'm very serious about, things to avoid and don't laugh, okay? Don't declutter when you have fought with someone, when you're tired or you're hungry. You will do a bad job of it. Please do it when you're relaxed, when you have time. आपको लगता है कि अभी कोई आपको आके परेशान नहीं करने वाला है या अगर आपको लगता है कोई मेहमान आ रहा है मैं अभी करती हूँ प्लीज ऐसी चीजें मत करो डू इट वेन यू आर रिलैक्सड especially please don't do it when you are tired आपको पूरा घर का काम करके आपको लगता है आज नहीं मुझे खत्म करना है 15 मिनट है मैं अभी करके उसके बाद मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया the whole idea of making it into smaller project is to make it fun so while having fun you should be in a happy mental space so make sure कि चाय पी लो कुछ खा लो उसके बाद शुरू करो जो जब आपको करना होगा अगर सोचो आज का एक प्रोजेक्ट डाला हुआ है कोई वजह से आप नहीं कर पाए हो डोंट जंप टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टिल यू फिनिश दैट प्रोजेक्ट क्योंकि देयर इज अ सीरीज इन द होल प्रोसेस फिनिश एंड देन मूव ऑन किसी प्रोजेक्ट को आधा अधूरा मत छोड़िए प्लीज आस्क फॉर हेल्प इफ यू आर स्ट्रगलिंग एंड फिनिश द प्रोजेक्ट एंड देन मूव ऑन What I said, ask for help, please, please, please. The whole idea of doing this program with a small group is so that we can all discuss, help each other. Things to plan for, जैसे मैंने बोला था, हो सका तो
कीप अ स्पेसिफिक टाइम इन द डे कि वो हैबिट हो जाए, हर रोज आप उसी टाइम पे कर रहे हो तो आपके लिए भी आसान होगा कि आप भी प्लान कर सकते हो हर रोज, हो सका तो, एवरी वन स्केड्यूल इज डिफरेंट. घर पे एक जगह रखो, जैसे मैंने अभी लॉकडाउन पे मेरे सबसे बड़ा वाला ट्रैवल बैग रखा हुआ है, जहां जो भी मुझे नजर आ रहा है डोनेशंस के लिए जो देना है मैं उस पे उसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि अभी बाहर हम कहीं नहीं दे पा रहे, मगर नेदर डू आई वॉन्ट इट इन माई सूटकेस. सो हैव वन स्पॉट और अ बैग और वॉट एवर इट इज वेयर यू कैन पुट थिंग्स दैट यू विल कम अक्रॉस द नेक्स्ट फ्यू डेज टू डोनेट. Like I said, collect old boxes, takeaway boxes, anything that's a square or a rectangle shaped boxes. जैसे कोई candle देता है उसका box, jewelry box, थोड़ा एक जगह पे इकट्ठा करके रखिए. We will use it in days to come. If you don't have it, it is okay. Please don't spend your next 1 hour looking for it. If you have it and you know where it is in your house, just keep it handy. That's about it. It is not an essential. ये नहीं कि आप organize नहीं हो पाओगे बिना इसके. So if you have it, it is great. So first day act, everyone clear till now? Can I go ahead? Thank you so much. Somebody said it's okay. The, like I said, today's activity, either today or you do it tomorrow, because we have another activity for tomorrow. So if you can do it today, it'll be fantastic. First place that we are doing is bathroom. How do we do bathroom? बैक स्टॉक का मतलब है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो हमने खोला नहीं है, जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया. So you will start by one, we have identified the space. First day space is bathroom. Second, we have categorized it. What are the categories? Hair products, face products, massage ke saman jo tel vel hota hai jaise jo aap use karte ho, makeup ka saman, appliances jaise agar aapke paas hair dryer hai, comb hai, kya kya hai. First you will categorize them in all these different categories. So you will, I'm just getting a screen grab of it so that I can put it on the group also. So you will first go to one bathroom. If you have many bathrooms in the house, please main request karti hu aapka bathroom kijiye pehle. But everything, ye nahi ki ha mujhe pata hai udhar kya hai, main janti hu. Don't do that mistake. Take out everything. Take a khali place. It could be the zameen of the bathroom. Take out that khali place, or you want to bring everything out, you can bring it on the dining table, but I prefer to do it on the floor of the bathroom ki ek hi jagah pe khatam ho jata hai, ya bathroom ke counter. Sab kuch jo bathroom mein hai has to come out and be in these different categories. You could have an additional category, but these are the broad categories. If you have any other category other than this, please add to it. So you will put everything that you see that is not open, that is new, or that is extra in the back stock. You will keep all the hair products together. You will keep all the face products together. You will keep all the bath products jo aapko shower pe chahiye, shower gel, kuch bhi hota. You will divide them into different subcategories. Can we do the task today? We have another task for tomorrow, but tomorrow's task is very simple. So you can choose. I just thought because we're starting today, it'll just be fun to do this. If you have the time, don't stress if you don't. Once you've categorized it, what is point number three? I declutter. So you will go every category wise. And remember, हम बाथरूम से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीने हम घर पे हैं. अगर कोई ऐसा मास्क हो, फेस पैक हो, ब्यूटी क्रीम हो, सब चीज ट्राई करने के लिए हमारे पास काफी टाइम था. If I have not tried it, if I have not used it, it's time to say bye bye. Please check stuff that has expired. Stuff that you have not used, stuff that is not in a good condition, jo almost khatam hone ko aaya usko rakh lo, use it tomorrow and finish it. And then comes the question of what is the space that I have and how can I keep. So the one thing that you should remember is that I categorize it, I declutter it, and then I plan how do I keep it. All the categories ek jaise, jo sara हेयर का सामान है साथ में रहेगा, सारा शावर का सामान है साथ में रहेगा, सारा मेकअप का सामान है. यस वी कैन, वी विल बी यूजिंग ट्रेस, आई एम शोइंग यू पिक्चर्स. सो एवरी कैटेगरी हैज टू बी केप्ट सेपरेटली, बट द बैक स्टॉक व्हिच इज द एक्स्ट्रा विल ऑल बी सेपरेट. सो आज एक शैम्पू मेरा खत्म हो गया,
I know where to look for that extra shampoo, but I will not keep my extra shampoo with my current shampoo because वो वहीं पड़ा रहेगा, मैं यूज भी नहीं करूंगी. Whatever you're using is what has to be out. Everyone clear on that? What you're not using and you intend to use, जो आपको लगता है आप use करने वाले हो, उसको आप please अलग रखिए. Only things that you're using will go up. So there are different spaces that you can use. You can use the counter, you can use your shower area, you can use under the bathroom sink wala area, depending upon how your bathroom is. Kyunki we are 70 people on this program, sabka bathroom alag hai. So I'm just going to show different pictures so that you all get an idea as to what can be done. So abhi hamare paas agar ye boxes nahi hai, trays nahi hai, bas keep it in clusters, group mein rakhiye. See how it works. घर पे पुराने स्टील के बर्तन हो, you can even use those to create those categories. You don't need to go and shop. Please don't order anything till we tell you to order. Just have different categories of things kept. जैसे मेरे घर पे बाथरूम में, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, I have my travel pouches kept because we travel a lot. अभी कहीं नहीं गए, but the travel pouch, my husband's, mine and the kids are kept. क्योंकि whenever we have to go out, the travel pouch just goes in our suitcase. So everyone's house will have that one different element or two different elements which might not be in my house. So keep your dental products separately. So subdivide each of it and you keep either in a tray or in a box, or just make a separate line and sections for today. Even takeaway boxes ke lids jo aate hain, उनको यूज करके उसमें रखिए एक ट्रे, एक बॉक्स में एक कैटेगरी. एवरीवन्स क्लियर टिल नाउ? एंड कीप इट इन अ प्लेस, लाइक आई सेड अगेन, व्हाट यू यूज एवरी डे हैज टू बी इजी टू एक्सेस. जैसे हेड मसाज और हेयर ऑयल आप रोज नहीं यूज करते हो, उसको आप नीचे रख सकते हो. मगर इफ आई एम यूजिंग माई सनस्क्रीन एंड माई विटामिन सी एंड माई वॉट एवर एवरी डे, दैट हैज टू बी इजिली एक्सेसिबल. Towels have to be easily accessible. I'm showing some more options. जैसे ये है, इधर there's a built-in wall में space. So normal trays, कुछ भी नहीं है तो just keep them in groups and leave them. Then you can get in whatever products required. But in the category, only things that you're using. Is everyone clear on that? किसी को डाउट है कि ये कैसे करना है? बट जब बाथरूम करोगे, मेरे आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, एक डस्टबिन रखे कीजिए, क्योंकि बहुत सामान निकलता है जो बाथरूम में, छोटे छोटे वो जो होटल्स में पाउच मिलते हैं जो हम लेके आए हैं अभी तक यूज नहीं किया. प्लीज से गुड बाय, सी यू टू ऑल ऑफ देम, और यूज देम. इफ यू नॉट यूज इट इन द लास्ट 6 मंथ्स, रिमेंबर आप कभी नहीं यूज करने वाले. किसी के पास ड्रॉर्स है तो यू कैन जस्ट यूज दीज बेसिक ट्रेज टू पुट डिफरेंट थिंग्स. दैट्स अबाउट इट. एनी क्वेश्चंस? शुड वी ओपन द अनम्यूट ऑप्शन फॉर एनीवन? एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग? थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट यार. आई होप आई डिडंट बोर ऑल ऑफ यू. यू वांट टू सी द ड्रॉर इमेज? आई विल सेंड यू द पिक्चर. I'll send you the last 3 bathroom wala aaj ka pictures on the group. Any questions anyone has? Ki kaise karna hai day 1 ka project? And let's really, matlab my only request is, can we keep, yes, I will announce the lucky winner after the question answer. Can you keep makeup in the bathroom? If your bathroom is very humid, मेकअप खराब हो जाता है, स्पेशली थिंग्स लाइक लिपस्टिक्स एंड ऑल, वो फंगस आ जाता है. इट रियली डिपेंड्स. जैसे बॉम्बे में स्पेशली मॉनसून्स में पहले से ह्यूमिडिटी बहुत हाई होता है तो मैं बाथरूम में नहीं रखती. मगर इफ यू आर इन अ प्लेस, जैसे जयपुर में इतना ह्यूमिडिटी नहीं है, अगर आप रख सकते हो तो रख सकते हो. यू हैव टू लुक एट द ह्यूमिडिटी ऑफ द स्पेस. इफ इट्स नॉट ह्यूमिड, यू कैन कीप इट. इट हैज टू बी ड्राई. मेकअप नीड्स अ ड्राई एंड कूल प्लेस. जैसे हमारे घर में सब लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाथरूम में ह्यूमिडिटी बिकम्स हाई. सो आई वुडंट कीप माई मेकअप इन द बाथरूम. एनी डाउट्स ऑन डे 1 प्रोजेक्ट? रिमेंबर कैटेगराइज. हैव अ ड्रेसिंग एरिया सेपरेटली? यस, वी विल हैव अ ड्रेसिंग एरिया सेपरेटली. ओनली वॉट इज देयर इन योर बाथरूम टूडे गाइज. एवरी डे
सिर्फ वो जगह वी हैव मेकअप प्लान वी हैव एवरीथिंग एल्स प्लान ओनली व्हाट इज देयर टुडे इन योर बाथरूम. अगर बाथरूम में कोई सामान मिलता है जो बाथरूम में नहीं होना चाहिए प्लीज पुट इट समवेयर एल्स वी विल डील विद इट जब आएंगे. any questions anything else any doubt anyone feels ki mujhse nahi ho payega ye decluttering wala kaam. Yes, even I'm very excited. Let's have fun and please before ka picture lijiye sab jagah ka kyunki there some days where there's a lucky winner for before after kisne sabse zyada सफाई किया इज समटाइम्स ओवर डीक्लटर. सॉरी देयर वाज अ क्वेश्चन आई कांट रीड इट वन सेकंड गाइस सॉरी चैट इज डिसअपीयरिंग. कैन यू अनम्यूट एंड आस्क एनी क्वेश्चंस. इज समटाइम्स ओवर डीक्लटर इज दैट अ प्रॉब्लम. देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम विद ओवर डीक्लटर. आई एम अ ओवर डीक्लटरर. मेरे घर पे मतलब मुझे लगता है कि नहीं यूज करने वाला होता है तो मैं दे देती हूँ. अगर दो साल के बाद मुझे वापस पैसे दे के लेना होता है आई हैव नो प्रॉब्लम्स बट आई डोंट वांट इट टू सिंपली सिट एंड रॉट इन माय प्लेस बट दैट्स मी. एवरीवन इज डिफरेंट. इट्स ओके इफ यू हैव ग्लास रैक्स इन योर बाथरूम प्लीज कीप देम. यू कैन जस्ट से टेक ईच रैक फॉर वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो द आइडिया इज एक बार आप कैटेगराइज करके डीक्लटर कर लो उसके बाद लुक एट योर बाथरूम एंड से कि वेयर कैन आई कीप व्हाट सो दैट मुझे आसानी होती है यूज करने में बट पुट द होल कैटेगरी देयर. डोंट डिवाइड कि दो इधर है दो उधर है ऐसे. आस्था सिंह रेज योर हैंड्स आई विल अनम्यूट. डू यू ऑल वांट टू नो हू इज टुडेज लकी विनर. हू इज एक्साइटेड टू नो हू द लकी विनर इज. मैं ही बन जाती हूँ मैं ही ले लेती हूँ गिफ्ट. Me. Okay, today's lucky winner who's going to win one of our beautiful glass trays is Chetna Agarwal Jain. Chetna, are you there? The first winner for this declutter. Let's all clap for her. Chetna, we're all coming to your house for a party. Where's Chetna? Is she there? Yeah, I'm saying hello. Am I audible? Yeah, Chetna. Congratulations. I just want to know why. Hi. We have a random machine that's picking up names, so you're lucky. You have a problem being lucky? No. I just want to answer the procedure. Thank you. No. It's just random. So there are some days where it is what task you've done. They've really worked hard on lots of prizes. Almost every other day. Oh, Asta, how many prizes are you giving away? 14. We have 14 prizes of 14 days. Yeah. So some days is based on the task. Some days it is lucky winner. So everyone has a fair chance to win. But today we said first day, let's start with like something fun. And Rohini, we have like really amazing prizes this time. कोई नहीं अच्छी फोटो ले रहा है तो मैं ले लूंगी अपने घर को और मैं भेज दूंगी. So guys, let's have fun. Please use the WhatsApp group. कुछ भी होता है अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि मैं ग्रुप में नहीं पूछना चाहती Please DM me. The idea is that इस साल we really turn around our homes and Diwali क्या होता है to just let go, right? And इस साल में if you've learned anything, it is to let go. We could live without going out for 2 months. 2 महीने हमारे पास Amazon नहीं था कुछ भी नहीं था. सब जिंदा है सब कुछ भी है और सब कुछ मंगल भी है. So remember that things are just there for life. Things are not there to stress us out. Things are there to make us happy. So, jo bhi saman which is stressing us out, we really don't require it in our life. We are meant to live our lives and have fun, not spend our time cleaning up our homes. And that's not our job. And that's not why we were born. So, let's make it really easy and fun. And thank you so much for participating. We're all very excited to see how this journey is going to be for everyone. But it's just the beginning today. And if Veena, you have a question, your hand's raised. She has a question, I think. You want to unmute? Am I audible? Yeah, Veena. Thank you so much, Rohini. It's such an exciting journey. I can, you know, correlate the way you are taking the class because I am a teacher.
And when you are doing this session, it's like, my God. So you've gone unmuted. You're unmuted, Veena. You're muted, sorry, you're muted. Unmute yourself, please. Hello? Fully. You can hear me? Yeah, I can hear you. All of us. Great session, Rohini. Thank you so much. I've been doing this from ages as a teacher, taking this workshop, such classes, sitting down, and now seeing you, it's like great. It's great how a student feels. I'm so sorry. And my basic question was that in bathrooms, if we don't have any wardrobes, in that case, what do we do about it? Like, so, I don't have. So you have some place that you keep saman, shelf, something, kuch bhi nahi hai. You unmute. You have to unmute, Veena. You're muted again. Sorry. प्लास्टिक का रैक्स आता है ना 1, 2, 3, 4 वाला जो वो रैक है ना वो रखा वो हाँ वो उसी में काम करता है रिमेम्बर दैट द आइडिया इज राइट नाउ वी आर नॉट द आइडिया ऑफ दिस वर्कशॉप इज नॉट टू डू मोर खर्चा एंड बाय स्टफ हां हां वी विल गिव यू ऑप्शंस ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट्स जो आई फील घर पे धीरे धीरे करना चाहिए और ये नहीं की एक ही बार में पूरा खर्चा करके यू फील लाइक वाह मेक ओवर हो गया इट्स नॉट अ मेक ओवर शो बट इन दैट रिमेम्बर दैट इफ यू हैव दैट प्लास्टिक वाला 1, 2, 3, 4 Each rack should be one category. And if there is a lot more different category, then you can just have smaller two trays. Just wo plastic takeaway box ya purana steel ka bartan jo aap use nahi kar rahe ho abhi ke liye. The idea is, abhi aap categorize karke rakhoge, ek do hafta use karoge, you also see how that category works for you. Then you will also want to invest in buying the right product to organize that space. First, experience how it is to have a decluttered and organized space. Then invest in buying, right? Like it is like you join a gym, you lose weight and buy clothes from okay. the desired weight loss stuff. So right now, let's, if there is a space, that's why I'm saying, if there's a space you feel, I don't know how to do this in my house, send me a picture. And I will respond. I'm always on my phone, guys. So only when I'm doing projects and out, which is normally 5-6 hours din mein, I will not access my, or respond promptly. Nahi to I will respond to every messages. Then send me a picture and say, okay, how do I deal with it? In your case, Veena, use each rack for each category. But in that, the racks that are the closest has to be for what you use every day. And one rack can just be all your extra saman. And if, yeah, cool. Anyone else? Garima, you are unmuted. You have any question? No, I don't have any question for you, Rohini, but I really have a big, big, big thank you note for you. I mean, I think you're muted, Rohini. You cannot see. No, I just said thank you. Okay. No, but I had a big thank you note written for you, but talking to you, listening to you, it was so much fun. It's just like, you know, talking to a friend. Aap aise itna close feel karo, like we can open our hearts and problems out to you for next 14 days. So be ready for it. I love it. So I feel like even on Instagram, if you follow me, you write to me, I will respond to you because mujhe lagta hai ki itne saalon se this whole house has been made a stress point for us women when it's not supposed to be. No, actually, after my marriage, I've started saying it's not Diwali, it's Diwala, Baba. Diwali aate the Diwala nikal jata. So that is the term I'm using for last 13 years. Kyun? And like, why? Yeah, like our job is not this. I know. So actually, because when it comes to organizing and where to start is the hardest question, you know, and it's easy to get innovated. Thanks, Rohini, for coming up to our rescue. Thank you so much. Your session, it was exceptional. And it made the game easy to play on. Thank you so much, Rohini. I know it's going to be a fun ride with you. And we are eagerly waiting for the 14-day tutorials. Same here. And thank you, everyone. Please, I will drop a message in the group and also put the pictures of the last 3 slides of the bathroom. Anything. Have fun. Do it. And reach out, please. And a big round of applause for all our participants who entrust to us with their valuable time. And we promise it's going to be an amazing journey you will cherish for your lifetime. All these tips and tricks from Rohini. And today we have seen a small teaser with Rohini. So we are waiting for the full movie to come up. Thank you so much. Any questions, anyone? I'm just closing the meeting then. Is there anything else? Yeah, we're all good. Thank you so much, everyone. All the best. I'm so excited for all of you all. And I hope we all see a huge transformation in our homes in this. Thank you so much. We're also so looking forward to this 14-day journey. So guys, let the countdown begin and let the fun begin. All right? So thank you, everyone. Thank you. Bye-bye, everyone.